तो अब हम लोग जिनीवा एयरपोर्ट पे लैंड करके इंटरलाकन के लिए ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं। जिनीवा तक की फ़्लाइट अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स में कंप्लीट हो गई फ्रॉम बार्सिलोना स्पेन। जिनीवा एयरपोर्ट पे उतर के हमने ट्रेन के टिकट्स खरीदे। तो स्विट्ज़रलैंड में ट्रेन के टिकट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हर ट्रेन का टिकट का जो प्राइस है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने 11 बजे की टिकट बुक की तो इट कुड बी मे बी 180 CHF फॉर 5 पीपल फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर आप टाइम थोड़ा सा आगे पीछे करके चेक करेंगे तो हो सकता है वो 180 की जगह आपको 100 CHF में ही मिल जाए। इसलिए बेटर है कि जब भी आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आप पहले अपना टाइमिंग, टिकट का प्राइस ये सब चेक करके तो टिकट बुक करो। और हमने जाते ही जिनेवा एयरपोर्ट पे स्विस ट्रैवल पास ले लिया था जिससे सारी टिकट्स का प्राइसेस हाफ हो जाता है, विच इज़ वेरी यूजफुल। तो ट्रेन की जो पूरी जर्नी है जैसा आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, बहुत ही सुंदर व्यूज़ हैं। पता ही नहीं लगा कि कब 2 घंटे पूरे हो गए और हम लोग इंटरलाकन पहुँच गए। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द जर्नी में आपको स्विस एल्प्स नज़र आ रहे होंगे और ये शायद लेक थुन है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट दिस इज़ लेक थुन आई बिलीव। और ट्रेन काफ़ी देर तक इस बड़ी सी लेक के पैरेलल ही मूव करती रही। पहुंच गए हैं आज इंटरलाकन। इंटरलाकन वेस्ट स्टेशन के पास हमने एयरबीएनबी लिया है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। यहाँ से हमारा एयरबीएनबी 10 मिनट्स वॉक है। वेदर ठंडा हो गया है एज़ कम्पेयर टू एम्स्टरडम, भी ज़्यादा ठंडा है। जगह बहुत प्यारी लग रही है, आपको क्लाउड्स नज़र आ रहे होंगे। बारिश एकदम शुरू हो गई है, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बारिश रुकने का। तेज़ हो गई है क्योंकि बारिश, और जगह बहुत ही प्यारी नज़र आ रही है। और क्योंकि बारिश हो रही थी और हम लोग नीचे वेट कर रहे थे तो इतनी देर में हम लोगों ने एयरबीएनबी में कुकिंग करने के लिए थोड़ी ग्रोसरी ले ली है क्योंकि जाते ही भूख लगेगी। और मिल्क ले लिया है, हम लोगों ने स्पेन में चाय बहुत मिस किया, कहीं बाहर लेने पे भी उतना टेस्टी नहीं मिल पाता है चाय। तो हमें लगा यहाँ पे एयरबीएनबी है तो हम अपना चाय कॉफ़ी खुद से बना के खा पी सकते हैं। साथ में हमने ले लिया है कुछ फ्रेश चिकन, अनियंस, टमेटोज, जिंजर गार्लिक, और मसाले हम लोग इंडिया से ही लेके आए थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी ने रोका नहीं। तो अभी लेट्स सी कैसा बनता है। आगे चल के आपको अपने एयरबीएनबी से कुकिंग का वीडियो भी ज़रूर दिखाएंगे। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, क्लाउड्स नीचे आ गए हैं। एयरबीएनबी में जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है, अंदर एंटर करते ही राइट साइड में बहुत ही प्यारी सी किचन है और एक रूम उस तरफ भी है, अभी रुक के दिखाती हूँ। मॉम डैड आर गेटिंग रेडी। दिस साइड वी हैव सम एम्प्टी स्पेस। आयरन है यहाँ पे क्लोथ्स आयरन करने के लिए। एंड दिस इज अ ट्विन बेडरूम, विंडो से व्यूज भी बहुत प्यारे हैं। लाइटिंग इज नाइस, वी हैव नाइस बिग कबर्ड्स। इसके बाद आगे वाले एरिया में आऊँ तो दिस साइड इज़ द कॉमन रूम, डाइनिंग टेबल लगा हुआ है इधर, बहुत प्यारा सा विंडो है। इधर वी की व्यू ले रहे हैं, बारिश हो रही है यहाँ पे अभी, और टीवी लगा हुआ है, वाईफाई है। एक सिंगल बेड ड्राइंग रूम में भी डला हुआ है। और दिस इज़ अनदर बेडरूम, सारे बेडरूम्स में अलमीराज हैं,
विंडोज हैं और सबसे बहुत प्यारा व्यू नज़र आ रहा है, विच इज़ रियली गुड. फ्रेशनेस रहेगी रूम्स में. एंड गोइंग बैक टू द थर्ड बेडरूम, इस साइड पे थर्ड बेडरूम है जिसकी वीडियो मैं बाद में दिखाऊंगी, बट ओवरऑल वी आर वेरी हैप्पी विद द एयरबीएनबी.